एक बार एक लड़के और लड़की की फेसबुक पर दोस्ती हुई। इस दोस्ती की खास बात यह थी कि लड़की ने लड़के को देखा हुआ था, पर लड़के ने कभी लड़की को नहीं देखा था। दोनों एक ही शहर में रहते थे, पर मुलाकात नहीं हुई थी कभी, बस ऑनलाइन ही फ्रेंडशिप थी। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, जैसे कि लड़के और लड़की की दोस्ती में हो ही जाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, रोज घंटों घंटों तक चैटिंग हुआ करती थी। फिर दोनों ने सोचा कि अब इस प्यार को कोई शक्ल भी देनी चाहिए, तो दोनों ने मिलने का फैसला किया। दोनों ने तय किया कि कल शाम को 4 बजे वो पार्क में मिलेंगे। लड़की ने पूछा कि मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा, तो लड़की ने कहा कि मैं पिंक ड्रेस में आऊंगी और मेरे हाथ में एक सफ़ेद गुलाब होगा। लड़का अगले दिन शाम को बहुत खुशी खुशी उस लड़की से मिलने गया। वहाँ पहुंचकर उसने जो देखा तो वो चौंक गया। वहाँ एक मोटी औरत पिंक ड्रेस में थी, जिसके हाथ में एक सफ़ेद गुलाब था। उम्र भी उसका ज़्यादा था लड़के से, लेकिन फिर लड़की ने वो सारी प्यार भरी बातें याद की और आगे बढ़कर उस लड़की के पास जाकर बोला, आई लव यू, और कहा, मैं ही वो तुम्हारा फ्रेंड हूँ जिससे मिलने तुम यहाँ पर आई हो। यह सुनकर उस लड़की ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं वो नहीं जिससे तुम यहाँ मिलने आए हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो उधर पेड़ के पीछे खड़ी है। फिर उस औरत ने लड़की को आवाज़ देकर बुलाया। लड़की ने आते ही पूछा, क्या अगर तुम इतना ही प्यार करते, अगर तुम जिससे इतना चाहते हो वो ये लड़की होती? इसका जवाब उस लड़की ने दिया कि हाँ। इस लड़की ने दिखा दिया कि ये सच्चा प्यार करता है तुमसे, वरना ये मुझे देखकर वहां से वापस जा सकता था, क्योंकि मैं तो इसे पहचानती तक नहीं थी। लड़के ने भी कहा, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हें अपने ख्वाबों में सजाया है, हर पल तुम्हारी मीठी बातों की खुशबू को महसूस किया है, और इस सब में तुम्हारी कोई तस्वीर तो नहीं थी? मैं तो बस यह जानता हूँ कि मैंने तुमसे प्यार किया है तो किया है, चाहे जो भी हो। लड़की ये सुनकर उस लड़के के गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसे एक सच्चा प्यार करने वाला साथी जो मिल गया था। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, प्यार अंधा होता है, क्योंकि प्यार करने के लिए किसी शरीर की नहीं, बस एक साफ दिल की जरूरत होती है।